एसक्यूएल सर्वर में सीपीयू लिमिट कैसे करते हैं? आई मीन, बहुत बार हमने देखा है कि अगर हमने एसक्यूएल सर्वर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर दिया तो वो क्या है कि जितना भी सीपीयूज है आपके सिस्टम में, वो सारे के सारे सीपीयू एसक्यूएल को अलोकेट हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है, जब कोई क्वेरीज, कोई हैवी क्वेरी चलती है तो, या मल्टीपल कनेक्शन जब एसक्यूएल पे बनते हैं, जब एसक्यूएल पे लोड पड़ता है तो वो क्या करता है, सारे के सारे सीपीयू यूज कर लेता है। तो मैक्सिमम टाइम आप देखे होंगे कि जब एसक्यूएल स्लो चलने लगता है तो जब हम टास्क मैनेजर में जाके देखते हैं तो वहाँ पे चेक करते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन टॉप पे है, मतलब 80%, 90%, 90% या 100% तक चला जाता है। उस केस में क्या होता है, जितने भी कनेक्शन बने होते हैं वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं, इवन हमारा सिस्टम सर्वर भी बिल्कुल स्लो हो जाता है। उस केस में क्या है, अगर एसक्यूएल के अलावा और कोई एप्लीकेशन वहाँ डली हुई है या कोई और प्रोग्राम डला हुआ है तो हैंगअप कर जाता है, क्योंकि उसको प्रोसेसर मिल नहीं पाता, सारा प्रोसेसर एसक्यूएल सर्वर यूज कर लेता है। तो उसको लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर में, सो दैट कि हमारी जो अदर एप्लीकेशन है या हमारा सर्वर है हैंग ना हो। ठीक है, तो मैंने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लिया है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। विंडो ऑथेंटिकेशन या एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन से कर सकते हैं, जैसा भी आपने सेट कर रखा होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे से लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैं विंडो ऑथेंटिकेशन से भी कर सकता था, बट इट्स अप टू यू। करेक्ट, ये हमारा एसक्यूएल सर्वर है 2019। आपको जस्ट क्या करना है, राइट क्लिक करना है जो भी आपका सर्वर नेम हो उस पर, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आपको सारी सेटिंग खुल जाती है, जनरल सेटिंग, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है आपका, विंडोज कौन सा है, कौन सा वर्जन पे चल रहा है। देखिए, एसक्यूएल सर्वर को आप किसी भी क्लाइंट मशीन पे, जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, या आपके सर्वर फैमिली का कोई मेंबर है या सर्वर फैमिली का कोई विंडोज है, सर्वर है, तो उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैंने विंडोज 10 पे इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेमोरी का भी ऑप्शन होता है, मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम मेमोरी एसक्यूएल सर्वर यूज करे। करेक्ट, तो मैं अभी प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ से आप मैक्सिमम मेमोरी सेट कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कि कितना मैक्स टू मैक्स मेमोरी यूज कर पाए। ठीक है, प्रोसेसर में आते हैं। प्रोसेसर देखिए, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेट द प्रोसेसर अफिनिटी मास्क फॉर द ऑल प्रोसेसर है, तो हमें क्या करना है, इसको ऑटोमेटिक की जगह इसको चेक करना है। और ऑल प्रोसेसर में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास 8 प्रोसेसर है, 0 to 8। देखिए कैसे चेक करेंगे हम, तो चलिए हम टास्क मैनेजर में चलते हैं, टास्क मैनेजर में जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास किसने परफॉर्मेंस में आ गए। हम परफॉर्मेंस में देखिए, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉर्मली आपके पास इस टाइप से कुछ दिखेगा, 1 प्रोसेसर, ठीक है, सिंगल प्रोसेसर का ग्राफ दिखेगा। जब आप इसको 100 लॉजिकल प्रोसेसर करेंगे तो इसमें टोटल जितने भी लॉजिकल प्रोसेसर है उसमें दिख जाएंगे। देखिए 8 लॉजिकल प्रोसेसर है हमारे पास, ठीक है, सॉकेट 1 है, कोर 4, एक कोर में 2 प्रोसेसर होते हैं, तो 4 × 2 = 8। करेक्ट, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 8 प्रोसेसर है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि फर्स्ट 3 या 4 प्रोसेसर मैं देना चाहता हूँ एसक्यूएल सर्वर को, ठीक है, कि चलिए मैं क्या करता हूँ 6 दे देता हूँ। ठीक है, 2 प्रोसेसर मैं रिजर्व रखता हूँ, सो दैट कि अगर हमारे कोई और एप्लीकेशन हो, इस केस में मतलब हमारा सर्वर बिल्कुल हैंग अप ना हो। देखिए, जब ये 6 प्रोसेसर यूज कर लेगा
तो जितने भी हमारे कनेक्शन है वो स्लो काम करने लगेंगे, या कनेक्टिविटी जब बनाएगा कोई क्लाइंट, या हम जब कनेक्टिविटी बनाएंगे या क्वेरी कोई चलाएंगे, फेच करेंगे डेटा एसक्यूएल सर्वर्स, तो बहुत ही ज्यादा वो स्लो काम करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो काफी लोड डाल चुका है जो हमने सीपीयू अलोकेट कर रखे हैं, तो इस केस में हमारा स्लो चलेगा। इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार इसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आईओ अफिनिटी भी सेट कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आईओ अफिनिटी चेक करते हैं तो अगर आपने सीपीयू सेलेक्ट कर किया है तो आईओ अफिनिटी सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो एट ए टाइम या तो आईओ अफिनिटी सेलेक्ट कर पाएंगे या सीपीयू, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसको ऑटोमेटिक पे कर देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम वर्क थ्रेड, मतलब कि एक सीपीयू पे मैक्सिमम कितना थ्रेड देना चाहते हैं। थ्रेड मतलब कि एट ए टाइम कितना लोड हो उस पे, तो ये चीज आप इस पे सेट कर सकते हैं कि वर्कलोड कितना हो। तो एज पर योर एप्लीकेशन लोड, एज पर योर यू नो क्लाइंट कनेक्शन, कि कितने कनेक्शन बन रहे हैं आपके सर्वर पे या कितना वर्कलोड है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कनेक्शन का भी ऑप्शन है। कनेक्शन कितना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन कितना करना चाहते हैं, आई मीन मतलब कि कॉन्करेंट कनेक्शन, मतलब आपके सर्वर पे मैक्सिमम कनेक्शन कितना हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन जीरो इज इक्वल टू अनलिमिटेड है, जीरो है मतलब कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड कितना भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं नंबर ऑफ कनेक्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यूज क्वेरी गवर्नेंस टू प्रिवेंट लॉग इन रनिंग क्वेरी, अब यहाँ पे क्वेरी को भी सेट कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, तो जितनी भी एसक्यूएल की सेटिंग है आप यहाँ से कर सकते हैं, डेटाबेस सेटिंग, एडवांस सेटिंग, ठीक है, परमिशन, यहाँ से आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस था प्रोसेसर का। ठीक है, कि प्रोसेसर को हम कैसे सेट कर पाएंगे या मेमोरी को, तो यू कैन सेट हेयर। आई होप गाइस कि आप लोग समझ पाए होंगे कि सीपीयू की लिमिटेशन कैसे करनी है इसको सर्वर में। बहुत बार इसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जब आप लाइव इन्वायरमेंट में काम करेंगे, प्रोफेशनली या कॉरपोरेट में काम करेंगे, तो इसकी जरूरत आपको मैक्सिमम टाइम पड़ती है। इवन दो आपको जरूरत भी पड़ती है इसके मॉनिटरिंग की, तो मॉनिटरिंग का सेक्शन हम किसी और वीडियो में लेकर आएंगे कि मॉनिटरिंग करते समय आप चेक कर पाएंगे कौन सी क्वेरी लंबे टाइम से चल रही है, कैसे उसको किल करना है, या कौन सी क्वेरी ऐसी है जो मैक्सिमम टाइम ले रही है एग्जीक्यूशन के लिए। ये सारी चीजें हम किसी और वीडियो में देखेंगे, वो मॉनिटरिंग का पार्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।